नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और दीपावली का त्यौहार अभी अभी हम लोगों ने मनाया है और अब जो त्यौहार आने वाला है ये बिहार, झारखंड और यानी कि पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। इसको छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। छठी माई की पूजा होती है और कानपुर में पनकी के पास में जलकल विभाग का जो कार्यालय है उसके सामने हम लोग खड़े हैं इस समय। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और वो जो पर्व है वो यहाँ पे नहर के किनारे मनाया जाता है। और आप यहाँ की एक झलक आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये लोग बेदी बना करके यहाँ पे बेदी बनाते हैं, उसमें छठी मैया का नाम लिख करके उसको बहुत अच्छी तरह सजावट करते हैं। और 2 तारीख को ये त्यौहार है। त्यौहार के बारे में एक कथा प्रचलित है, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो छठी षष्ठी तिथि होती है उस तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। और महिलाएं इसमें बहुत कठिन व्रत रखती हैं, इसमें निर्जला व्रत रहा जाता है, अन्न पानी कुछ भी, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये इसके बारे में कथा ये है कि जब पहला जो देवासुर संग्राम हुआ उसमें जब असुरों ने देवताओं को हरा दिया तो उसके बाद देव माता अदिति ने तपस्या करी और तपस्या करके सूर्य मंदिर में छठी मैया की उन्होंने उपासना करी और उनसे वरदान में तेजस्वी पुत्र का वरदान प्राप्त किया। और उसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनके द्वारा असुरों का संहार किया गया। उन्होंने देवताओं से असुरों का जो युद्ध हुआ उसमें उनकी मदद करी। तो ये प्रथा जब से हुई शुरू तब से लोगों का जो रुझान है छठी मैया का व्रत धारण करना और उनकी उपासना करना, आराधना करना, ये शुरुआत इसकी वहाँ से हुई, जो हिंदू मत के अनुसार ये प्रचलित है कथा। तो अब हम आपको लेकर के दिखाते हैं यहाँ पे चल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहीं पर रहते हैं? तो ये यहाँ पे है, यहाँ की सेवा इन्हीं के पास है, पूरी रखवाली देख रेख यही करते हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं किस तरीके से इसकी सजावट हो रही है, किस तरीके से बेदियाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ पे अभी कुछ नई बेदी तैयार की जा रही हैं और ये कुछ बेदियाँ हैं जो पहले तैयार हो चुकी हैं। सीमेंट से इसको बनाया गया है, इसके बाद इसमें जो है इसको पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद बहुत अच्छी तरह उसकी सजावट होती है और छठी मैया का नाम लिख करके इसमें बहुत से लोगों ने अपने बेटों का नाम और अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिया है, अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है और ये पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए हम आपको और दिखाते हैं जो बेदियाँ यहाँ पे तैयार की गई हैं। इसे मना किया है ना, उसमें फोटो नहीं आनी चाहिए। इस पर भी ओम बना दो, छठी मैया के नीचे वाला अथी पर बना। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ माताएं हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि ये इसका क्या क्रेज है, इसमें किस तरीके से कब से शुरू होगा माता जी त्योहार? 31 तारीख को नहाता है, 1 तारीख को हम लोग करना है। अच्छा, 2 को शाम को आएंगे अर्घ देने, 3 तारीख को शुरू। और कैसे होता है इसका, थोड़ा शुरुआत से बताइए तरीका क्या है इसका? कैसे 31 तारीख से शुरू होगा, क्या करेंगे सबसे पहले? नहा खा लौकी भात दाल चावल लौकी सब्जी। कल 31 तारीख है तो कल सुबह के टाइम? नहीं, शाम को टाइम। कल शाम को दाल चावल लौकी सब्जी। अच्छा, ये बना के खा लेंगे? परसों मतलब सारा दिन हम लोग व्रत रखेंगे। अच्छा, तो शाम को खीर पूड़ी खाया जाएगा। परसों शाम को खीर पूड़ी खाया जाएगा। फिर उस दिन शनिवार के दिन हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, मतलब 2 तारीख को सुबह से। हाँ, कुछ नहीं खाया जाएगा, हम लोग आ जाएगा घाट पर। अच्छा अच्छा, फिर घाट पे आ जाएंगे। घाट पे क्या करते हैं, घाट पर सुबह के टाइम आएंगे? नहीं, शाम को। शाम को, हाँ, शनिवार के शाम को हम लोग घाट का पूजा करेंगे, छठ माई का पूजा करेंगे। अच्छा, और फिर इतवार के सुबह भी पूजा होगी छठ माई की। अच्छा, मतलब 3 तारीख को सुबह। हाँ, सूर्योदय होगा। हाँ, तब वो पूजा होता है। तो देखा आपने, इनसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। और जैसा जानकारी है कि सूर्य मंदिर में जो माँ अदिति ने उपासना करी थी, जो छठी मैया है इनको सूर्य देव की बहन माना जाता है।
और ये उसकी पूजा करती हैं, उपासना करती हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सबके लिए, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये व्रत किया जाता है और बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है। और ये हिंदू मान्यता के अनुसार ये पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा और भी कई धर्मों के लोग अब इस पर्व को मनाने लगे हैं, ये जानकारी ऐसी मिली है। तो अब आपको ये एक यहाँ का हमने लुक दिखाया है कि इसकी तैयारी कितनी ज़ोर शोर से चल रही है, अभी से लोग इसमें जुट गए हैं और ये 2 तारीख को शुरू होगा। जो मेन इसका है व्रत का जो दिन होगा वो 2 तारीख को होगा, जो अन्न जल ग्रहण किए बिना पूरा दिन व्रत रहेंगी ये माताएं बहनें, और पुरुष भी रहते हैं ये व्रत। तो अब हम आपको आगे इसमें अपडेट करते रहेंगे, कल हम फिर आएंगे, परसों भी आएंगे, 2 तारीख को भी आएंगे और इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे कि किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और ये पूजा आराधना जो होती है वो किस तरीके से करी जाती है। तो हमारे चैनल पे बने रहें, आपको अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय छठी मैया।